प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड नेक्स्ट प्रॉब्लम इस प्रकार है कि हमें इसमें दिया गया है कि 52 कार्ड्स के एक पैक से वन कार्ड सेलेक्ट किया जाता है तब हमें इसमें दिए गए इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं माना यह हमारे पास 52 कार्ड्स का एक पैक है अब हमें इसमें से एक कार्ड सेलेक्ट करना है पार्ट ए में हमसे पूछा गया है कि इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स, अर्थात सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे जब हम 52 कार्ड्स के एक पैक में से एक कार्ड सेलेक्ट करते हैं तब टोटल 52 पॉसिबल आउटकम्स होंगे जिसका अर्थ है कि सैंपल स्पेस में 52 एलिमेंट्स होंगे सो हम कह सकते हैं कि इस रेंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस में 52 सैंपल पॉइंट्स होंगे पार्ट बी में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है यदि सेलेक्टेड कार्ड एस ऑफ स्पेड्स है सो so, माना यह इवेंट ई e है हम जानते हैं कि 52 कार्ड्स में से केवल एक कार्ड एस ऑफ स्पेड होता है सो एन ऑफ इज इक्वल टू वन होगा अब हमें इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हम जानते हैं कि सैम्पल स्पेस में 52 एलिमेंट्स हैं। सो इवेंट की 1 टू 52 के इक्वल होगी अब यदि हम पार्ट सी की बात करें तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमें सिलेक्टेड कार्ड के एस होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सो so, माना यह इवेंट एफ है हम जानते हैं कि 52 कार्ड्स में से केवल फोर कार्ड्स ही एस के होते हैं सो एन ऑफ एफ इज इक्वल टू फोर हो जाएगा अब हमें इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो कि हमें वन बाई थर्टीन के इक्वल मिलेगी सी के सेकंड पार्ट में हमें सेलेक्टेड कार्ड के ब्लैक कलर के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सो so, माना यह इवेंट जी है हम जानते हैं कि 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड ब्लैक कलर के एंड 26 कार्ड रेड कलर के होते हैं सो so, इस इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें 26 मिलेंगे अब हमें इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो कि हमें वन बाई टू के इक्वल मिलेगी